ऑपरेशन टिट फॉर टैट से बौखलाया चीन। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर युद्ध के हालात। एक्शन मोड में आई मोदी सरकार। एक्टिवेट हुए डोभाल और राजनाथ। चीन से लद्दाख सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने यहां पर भारी हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है, तो भारत की ओर से भी उनका मुकाबला करने के लिए हथियारों को बढ़ाया जा रहा है। चुशुल सेक्टर में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि मार खाने के बाद पीएलए काफी आक्रामक मोड में आ गई है और उसने यहां पर हैवी कैलिबर हथियारों का जखीरा जमा करना शुरू कर दिया है, जिसको देखते हुए भारतीय सेना भी पेंगोंग सो और रेजांगला में हथियारों का जखीरा जमा करने में लग गई है। इसके साथ ही भारत ने यहां पर चीनी आक्रामक हमले का जवाब देने के लिए विशेष फ्रंटियर फोर्सेस तैनात कर दी है। सैन्य अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक स्थिति विकट है और आगे बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। चीन की एयरफोर्स ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट को फिर से लद्दाख में तैनात कर दिया है। J-20 लड़ाकू विमान लद्दाख के नजदीकी उड़ान भर रहे हैं। मोदी ने एनएसए डोभाल को किया एक्टिवेट। लद्दाख में चीन को तगड़ी मार देने के बाद अब भारी तनाव है। पेंगोंग के साउथ वाली ब्लैक टॉप पर कब्जे के बाद भारत बेहद मजबूत स्थिति में है, लेकिन चीन किसी भी वक्त पलटवार कर सकता है। लिहाजा मोदी सरकार फुल एक्शन मोड में है और अब मोदी ने अजीत डोवल को मोर्चे पर लगा दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अधिकारियों से लगातार बैठकें कर रहे हैं। डोभाल ने एलएसी के हालात को लेकर सरकार के आला अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। इस बैठक में आईबी चीफ अरविंद कुमार रोके, सचिव सामंत गोयल और गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद रहे। एक्शन मोड में भारतीय रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रक्षा मंत्रालय के कुछ बड़े अधिकारियों से बातचीत की है। चीन और भारत के बीच तनाव को देखते हुए रक्षा मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत भी मौजूद थे। इस बैठक में एलएसी पर ताजा हालात और भारतीय सेना की तैनाती और तैयारी पर चर्चा हुई। जब से चीन के साथ एक बार फिर झड़प की खबरें आई हैं, तभी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्टिवेट हो गए हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं। लद्दाख में पीएलए की आक्रामकता जारी होने के बावजूद दिल्ली में सभी चालों की निगरानी हो रही है और साफ निर्देश दिए गए हैं कि 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अलर्ट पर सेना, वायुसेना की पैनी नजर। पेंगोंग के ब्लैकटॉप पर चीन की हिमाकत के बाद भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। सीमावर्ती इलाकों में सेना की मूवमेंट बढ़ा दी गई है। वहीं चीनी सैनिकों की हिमाकत के बाद बढ़े तनाव के बीच एलएसी के पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चुशुल को खाली करा दिया गया है। यहां से भारतीय सेना का एयरबेस तकरीबन 10,600 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यहीं से भारतीय सेना पूरे एलएसी पर नजर रखे हुई है। धरी रह गई चीन की तैयारी और टेक्नोलॉजी। भारतीय जांबाजों ने चोटी पर फहरा दिया तिरंगा। ऑपरेशन टिट फॉर टैट से चित हुआ चीन। लद्दाख में 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात एक बार फिर चीन की कब्जे वाली फितरत पर पानी फेर दिया गया। भारत ने जैसे को तैसा की नीति अपनाते हुए फिंगर 8 के पास महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया है। पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाकों में सेना ने अभियान चलाते हुए ब्लैकटॉप समेत कई अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। इस चोटी पर चीन कब्जा करना चाहता था, लेकिन भारतीय सेना के हाल ही में तैनात स्पेशल ऑपरेशन बटालियन ने न केवल चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया, बल्कि इस पूरी चोटी पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। ये पेंगोंग झील के करीब डाकुंग इलाके में स्थित है, जो रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। दरअसल 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात करीब 500 चीनी सैनिक इस मकसद से ब्लैकटॉप पर घुसे थे कि वो वहां पर कब्जा कर पाए, लेकिन जैसे ही सेना को यह भनक लगी, बड़ी संख्या में पोस्ट पर जवानों को एकत्र किया गया और चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के सदर्न बैंक इलाके में ऑपरेशन टिट फॉर टैट का आगाज किया और चीन के कैमरों और सर्विलांस इक्विपमेंट्स की परवाह किए बिना पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। ब्लैकटॉप वाली पोस्ट एलएसी पर भारत के नियंत्रण वाले इलाके में आती है। अब रणनीतिक तौर पर भारतीय फौज वहां पर फायदे में है। भारतीय सेना ने पेंगोंग झील की दक्षिणी तरफ
फिंगर 8 इलाके की सभी रणनीतिक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। यहाँ की कई चोटियों पर भारतीय सेना के जवान तैनात हैं। भारतीय सेना ने वहाँ लगे कैमरे और सर्विलांस उपकरण को उखाड़ फेंका है। सेना ने मुश्किल माने जाने वाले स्पांगुर गैप, स्पांगुर झील और इसके किनारे चीन द्वारा बनाई गई सड़क पर भी अपने कैंप स्थापित कर लिए हैं। खाक हुए जिनपिंग के नापाक इरादे। चाइनीज आर्मी के कमांडर्स ने ये हिमाकत अपने सुप्रीम कमांडर के डायरेक्ट ऑर्डर पर की है। दरअसल पेंगोंग झील इलाके में भारतीय सेना और चाइनीज आर्मी के बीच झड़प से कुछ घंटे पहले ही राष्ट्रपति जिनपिंग ने तिब्बत की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक की थी। जिनपिंग की पीएलए कमांडर्स के साथ मीटिंग खत्म हुई। उधर लद्दाख में एलएसी के पास तैनात चाइनीज आर्मी एक्शन में आ गई। माना जा रहा है कि जिनपिंग के आदेश के बाद ही चाइनीज आर्मी पेंगोंग झील इलाके के दक्षिणी किनारे पर रात के अंधेरे में कब्जे के लिए एडवांस किया, लेकिन भारतीय फौज ने चाइनीज आर्मी को बता दिया कि एक इंच भी आगे बढ़ने का अंजाम क्या होता है।